हेलो दोस्तों, एक वायरस जो चीन के वुहान शहर से निकलकर करीब 200 देशों में अपना पाव पसार दिया है, तो वहीं चीन में इस वायरस पर काबू पा लिया गया है। चीन में कुल 80,000 कोरोना संक्रमित मरीज थे, जिसमें से 75,000 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वहीं 3,500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चीन इस वायरस पर काबू तो पा लिया है, पर चीन के सामने सबसे बड़ा चुनौती आ खड़ी है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और पास में बने घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर छोटी मोटी जानकारी मिल सके। दुनिया भर में फैल चुकी इस महामारी की वजह से करीब 35,000 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले सिर्फ इटली में 11,500 से अधिक मौत हुई है। चीनी सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के बाद वो अपने सारे शहरों को लॉकडाउन से हटा चुका है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस पैदा करने वाले शहर वुहान से भी लॉकडाउन को हटा लिया गया है और यहाँ पर फिर से जानवरों के मांस बिकने लगे हैं। कोरोना वायरस को लेकर चीन की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। चीन के एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है कि चीन में कोरोना एक बार फिर से लौट सकता है। आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल चीन में 1545 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन यह लोग दूसरों को कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि इन लोगों को निगरानी में रखा गया है, लेकिन ऐसे ही चीन में कुछ और लोग पाए गए तो चीन फिर से एक बार कोरोना संक्रमित हो जाएगा, जो चीन के लिए बहुत ही डरावनी खबर है। दोस्तों, इसी तरह के और जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।